आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन और मैं हूं आपके साथ नहीं कहीं। शुरुआत करते हैं आज के दिन तमाम बड़ी खबरों। कोरोना वैक्सीन कोवैक्स को WHO ने दी इमरजेंसी यूज की इजाजत। SII के CEO अदार पुनावाला ने दी जानकारी। मौसम में बदलाव, बढ़ेगी ठंड। भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल में अगले दो दिनों तक चलेगी शीतलहर, छाएगा कोहरा। पंजाब को नशा मुक्त बनाने का दावा कर रहे राजनीतिक दल। बठिंडा में ड्रग्स के ओवरडोज से 16 युवाओं की मौत से चली सरकार पर उठा सवाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। MP में पंचायत चुनाव 2023 नहीं होंगे निरस्त। तनाव पर IAF चीफ की तो टूक, कहा पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती बढ़ाने को है तैयार। सिर्फ शिवराज के सख्त निर्देश, आंगनबाड़ी स्कूलों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए नल कनेक्शन। कांग्रेस ने की गोवा फॉरवर्ड पार्टी संघ गठबंधन की घोषणा, से बंटवारे पर बाद में होगा फैसला। नीमच में जमीन के सीमांकन और पावती बनाने के लिए पटवारी ने मांगी लाखों रुपए की रिश्वत, लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पीएम मोदी का रविवार को गोवा दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भविष्य के खतरनाक वायरसों पर रिसर्च की तैयार, ग्वालियर में बन रही लैब में डेवलप होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।